नमस्कार, प्राइम न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका राजपूत। खबर उत्तर प्रदेश के अमेठी जनपद के विधानसभा जगदीशपुर की है। विकास खंड सुकुल बाजार से जहां के क्षेत्र बख्तावर नगर से लेकर जैनबगंज चौराहे तक कांग्रेस के पूर्व विधायक राधे श्याम धोबी व विजय पासी के अगुवाई में स्थानीय कांग्रेसी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं के द्वारा किसान पद यात्रा निकाली गई, जिसमें मुख्य रूप से बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी, डीजल पेट्रोल मूल्य वृद्धि को कम करने एवं किसान बिल वापसी की सरकार से मांग की गई, जिसमें भारी संख्या में कांग्रेस के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता सैकड़ों की संख्या में सम्मिलित हुए। प्राइम न्यूज 24 के लिए अमेठी से संजय शुक्ला की रिपोर्ट। किसान पद यात्रा निकाली है, जिसका जो है पद यात्रा निकाल करके महंगाई, रोजगार, डीजल पेट्रोल वृद्धि के खिलाफ रैली विधान प्रदर्शन किए कर रहे हैं। और इनकी मांग है कि डीजल पेट्रोल रोजगार दिया, डीजल पेट्रोल को कम किया जाए, जिसका दाम कम हो और रोजगार दिलाया जाए। ये हमारे मंडल अध्यक्ष, आप में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, आम आदमी जो है इस टाइम बहुत परेशान चल रहा है, जो महंगाई मूल वृद्धि चल रही है। एक महीने के अंदर आप देखिए कि पेट्रोल और डीजल के दाम क्या हो गए, गैस सिलेंडर कहाँ पहुंच गया। जब 350 का सिलेंडर रहता था तो यही सरकार कितना आतंक मचाए हुए थी कि सब महंगाई कहाँ पहुंच गई। आज 800 रुपए का सिलेंडर हो गया, फिर भी सरकार के समझ में नहीं आ रहा कि आज पब्लिक की क्या हाल होगी। तो आपकी मांग क्या है? हमारी मांग ये है कि जो कृषि कानून लाए गए हैं किसानों के हित में, उसको वापस लिया जाए और गैस सिलेंडर के दाम कम किए जाए, पेट्रोल डीजल के दाम कम किए जाए। क्योंकि अगर पेट्रोल डीजल के दाम इसी तरीके से बढ़ते रहे तो इसका असर जो है और अन्य चीज़ों पर, जो सामान ढुल करके आता है उसकी ढुलाई पर महंगाई बढ़ जाएगी, तो महंगाई निरंतर बढ़ती रहेगी। इसलिए सरकार को इसको सोचना पड़ेगा। तो इस तरह से ये पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष ने अपनी बात रखी है। और इसी रैली में हमारे पूर्व विधायक जी मौजूद है, जो कांग्रेस के पूर्व विधायक थे। मैं इनसे जानना चाहता हूँ, ये अपना प्रदर्शन कैसे व्यक्त कर रहे हैं? आज पूरा भारतवर्ष महंगाई की मार को झेल रहा है। घर के रसोई का बजट गड़बड़ा गया है, लगभग 900 के आसपास सिलेंडर के दाम हो गए हैं, 92 रुपया 95 रुपया लीटर के आसपास पेट्रोल का दाम हो गया है, 83 रुपया के आसपास डीजल का दाम हो गया है। और अगर आप गांव में अगर कोई छोटा मोटा कारखाना आटा चक्की लगाया हुआ अगर वो डीजल चला रहा है तो आप सोच लीजिए पिसाई क्या रेट में पड़ रही है। इस समय किसान बहुत परेशान है, आम जनता बहुत परेशान है, गरीब परिवार बहुत परेशान है। और इन्हीं सब बातों को लेकर के कांग्रेस पार्टी माननीय सोनिया गांधी, राहुल जी का और प्रियंका जी उत्तर प्रदेश की प्रभारी हैं, उनका निर्देश है कि और सभी नेता हमारे मौजूदा सरकार से निरंतर ये जो है जनता की हित में मूल्य वृद्धि को वापस लेना ही एक रास्ता है, एक विकल्प है, ताकि गरीब परिवारों की ज़िंदगी बच सके और वो जो है अपना जीवन यापन कर सके। मैं इसी कड़ी में हमारे मौजूदा ब्लॉक अध्यक्ष मौजूद हैं अखिलेश जी, मैं इनसे जानकारी लेना चाहता हूं कि प्रदर्शन कहां तक लेकर के जाएंगे आप इसको, और कहां तक चलेगा, क्या है आपकी मांग? इस किसान पद यात्रा का उद्देश्य, जो इस समय ये गूंगी बहरी सरकार नहीं सुन रही है, डीजल पेट्रोल का दाम जो है आसमान छू रहा है, जिससे आने वाले समय में किराया बढ़ जाएगा, माल का भाड़ा बढ़ जाएगा, चुनाव आएगा तो 2 रुपये सस्ता कर देंगे लेकिन भाड़ा सस्ता फिर नहीं होगा। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि किसानों को राहत देने के लिए आप डीजल पेट्रोल के दाम कम करिए, गैस के दाम कम करिए, बेरोजगारों को रोजगार दीजिए, किसान बिल वापस करिए, काला कानून जो पास किया गया है। और उसमें सबसे मेन चीज़ है कि आप जो किसानों की मांग है MSP गारंटी दी जाए, जिससे जो भी खरीदे वो किसान की जो गवर्नमेंट की MSP होती है उस रेट से ही खरीदा जाए। जय जवान जय किसान, जय हिंद। इसी कड़ी में देख रहे हैं आप, पूरा हजार की संख्या में पूरे कांग्रेसी दलों ने ये राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल